रिलैक्सिम LV 200 mg टेबलेट, इसका डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन। क्या फ्रेंड आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। इसका LV नाम क्यों है ये भी मैं बताऊंगा, पूरा जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो रिलैक्सिम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो इसका रिलैक्सिम LV 200 mg जिसमें बनाने वाली कंपनी का नाम है फोरल हेल्थ केयर फार्मा द्वारा बनाया जाता है। इसके कंटेंट की बात करें तो फेक्सिम लैक्टिक एसिड बेसिलस, LV मतलब लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, इसमें यह भी मिक्स है। अब इसका काम भी मैं आगे बताऊंगा, पहले हम जान देते हैं सिफेगिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। तो MRP की हम बात कर लेते हैं, इसका MRP जो है वो है 165 रुपये, जो कि 10 टेबलेट का किसी पाता है, कुछ इस तरह के पैक में आता है। आप देख सकते हैं ये इसका पैक है 10 टेबलेट का, 200 mg इसमें है रिलैक्सिंग। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कि इसमें किसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि सूजन हो गया है, या फिर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको फीवर है, सर्दी है, या फिर खांसी आ रहा है, और आपको चोट लग गई है, जल गया है, कट गया है, या फिर पैर में दर्द कर रहा है, सर में दर्द कर रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं के लिए मिलता है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दांत दर्द कर रहा है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन यह काम करता है। और हाँ, जिसको पेशाब करते हैं तो उनको जलन होती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। अब लैक्टिक एसिड बेसिलस लिया, देखिए लैक्टिक एसिड बेसिलस जैसे में सेफेगिन 200 mg सिप होता है, लेकिन इसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस भी मिला दिया गया है जो कि पेट का काम करता है, यानी जो पेट में हमारे दिक्कत हो गई जैसे खाना नहीं हजम होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी ये ठीक कर देगा। हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो है एक अडल्ट व्यक्ति दिन में 2 टाइम ले सकता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद, और इसके साथ एक एंटी गैनी गैस का टेबलेट ले लें, ताकि गैस का टेबलेट लेंगे तो आपको गैस नहीं बनेगा, जिनको गैस नहीं बनता वो ऐसे ही खा सकते हैं। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से कर लें, इसमें भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है आस्क डायरेक्ट बाय द फिजिशियन, देखिए बाय द फिजिशियन यानी मैंने डॉक्टर से ही कंसल्ट करने के बाद ही तभी इसका इस्तेमाल करें, जिसे मेडिकल का ऑपरेशन ना ले लें। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं इसके वार्निंग के बारे में। तो इसका वार्निंग जो है जैसे लीवर या किडनी संबंधी दिक्कत हो तो इसका इस्तेमाल ना करें। जो महिला प्रेग्नेंट है, फिर जो हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से कर लें। और हाँ, अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें। और मैं आपको बता दूं, इसे बच्चों की पहुंच से बिल्कुल भी दूर रखें, बच्चों के पास बिल्कुल भी न रखें, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की पहुंच से बिल्कुल भी दूर रखें। और इसे स्टोर आपको 25 डिग्री सेल्सियस में करना है, न ज्यादा गर्मी में करना है, ज्यादा ठंड में करना, आप मीडियम जगह रख सकते हैं, धूप में भी मत रखिएगा। और इसे लेने से पहले आप इसका एक्सपायरी डेट जरूर से चेक कर लें, एक्सपायरी डेट लेने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, मतलब चेक करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको सिफेगिन से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको तुरंत ही साइड इफेक्ट देने के लिए मिल जाएगा। तो हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। याद रहे मैं कॉमन साइड इफेक्ट आपको बता रहा हूँ, ना कि कोई भारी साइड इफेक्ट। भारी साइड इफेक्ट कब होता है, जब आप इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तब होता है। तो कॉमन साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसका कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे उल्टी, मतली, या फिर दस्त, मुंह में सूखापन, या फिर जैसे कि सर दर्द हो सकता है, शरीर में दाने निकल सकते हैं, खुजली हो सकती है, और शरीर में लाल चकत्ते हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट अगर आपको होता है तो आप इसका इस्तेमाल करना तुरंत ही बंद कर दें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, तुरंत इसका यूज करना बंद कर दें। तो फ्रेंड्स ये था लैक्सिम LV 200 टेबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना है, किसी दवा के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली मेडिसिन के बारे में जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हमारा काम है सिर्फ मेडिसिन की नॉलेज देना है।